मनिंदर कुमार, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल मनी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन से एक नया जीमेल अकाउंट क्रिएट करेंगे। नया जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर दोस्तों आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप कर देते हैं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा और यहाँ डेस्कटॉप साइट पर इसको कर लेना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इसको डेस्कटॉप साइट पर कर ले तो आपको यहाँ पर सर्च करना होगा जीमेल। जीमेल सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन हो जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे ऊपर वाली साइड में आपको यहाँ पर दिख जाएगा www.google.com, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड अकाउंट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर ऐड अकाउंट पर क्लिक करते हो, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर गूगल दिखाई दे जाएगा, आपको यहाँ गूगल पर क्लिक करना होगा। यहाँ गूगल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। न्यू पेज ओपन होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ लेफ्ट साइड में नीचे एक तरफ यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा क्रिएट अकाउंट का, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाएंगे, फॉर माई सेल्फ या टू मैनेज माई बिजनेस। तो दोस्तों आपको फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले ऑप्शन में दोस्तों आपको अपना फर्स्ट नेम डालना होगा। तो चलिए दोस्तों हम अपना फर्स्ट नेम डाल देते हैं। या सेकंड में दोस्तों अपना लास्ट नेम डालना होगा। ये दोनों फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। चलिए हम अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। इसके नीचे दोस्तों आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना होगा। ये सब फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ से होगा, आप इनमें से कोई भी जीमेल आईडी चूज कर सकते हो। चलिए हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं। ऐसा करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। हम यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होगा। यहाँ स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा यस आई एम इन, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा आई एग्री, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन हो जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही नया पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने, यहाँ पर आपकी आईडी बनकर तैयार हो चुकी होगी। आपको अपनी आईडी पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अभी आपको अकाउंट वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपनी आईडी पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करते हो, आपकी आईडी यहाँ पर खुल जाएगी। तो ऐसे ही दोस्तों आप अपनी नई आईडी क्रिएट कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।